नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक रिक्वायरमेंट आई है सूचना सहायक की, जिसे इंग्लिश में इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट कहते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2730 पोस्ट है, जिसके अंदर से 2415 है टीएसपी की और 315 है नॉन टीएसपी की। तो जल्दी से अपने नोटिफिकेशन को देखते हैं क्या इसके अंदर क्राइटेरिया मांगा है। अगर आप इस चैनल में नहीं है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो देखते हैं आज का नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये आया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से। वैकेंसी की बात करें तो उसका नाम है सूचना सहायक इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट सीधी भर्ती 2023। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2730 पोस्ट है, जिसके अंदर से नॉन टीएसपी के अंदर 2415 पोस्ट है, टीएसपी के अंदर 315 पोस्ट है। फॉर्म जो है वह ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन बनने के लिए दो पोर्टल है, एक तो RSM SSB का पोर्टल और दूसरा है SSOID का। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। SSOID से भरने का आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि उसके अंदर आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद जब भी कोई फॉर्म आएगा राजस्थान वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप वहां से उसको फिलअप कर सकते हैं। SSOID को लॉगिन करने के बाद में आपको सिटीजन एप्स में जाना है, जिसका G2C नाम लिखा होगा। वहां पर जाने के बाद में आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल मिलेगा और वहां पर आपको वैकेंसी मिलेगी। जिनको SSOID पर रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते, तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। आवेदन शुल्क या परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसके अंदर जनरल और ओबीसी के लिए फीस जो है वह रहेगी ₹450। इसके बाद जो नॉन क्रीमलियर और ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं उनके लिए रहेगी ₹350। SC ST या अदर जो भी कैटेगरी है उनके लिए ₹250 फीस रहेगी। इसके अंदर आप कैटेगरी वाइज भी पूरी पोस्ट देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो 2415 ही है, बाकी जनरल SC ST OBC इनके अंदर ये अलग अलग पोस्ट दे रखी है, इनको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है ये टीएसपी एरिया की है, साथ ही साथ ये नॉन टीएसपी एरिया की भी पोस्ट है यहाँ पर, जो 315 है। और बीच में जो आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिखाई दे रहा है, ये रिजर्वेशन है उनके लिए जो PWBD के अंदर आते हैं या पूर्व सैनिक है, उनके लिए रिजर्वेशन है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के अंदर जिसके पास कंप्यूटर विज्ञान या कोई भी BCA या कोर्स किया हुआ है वह इसे फुलफिल कर सकता है। सेकंड, ग्रेजुएशन कंप्यूटर में नहीं किया हो बट ओ लेवल किया हो तो भी वह उसे फुलफिल कर सकता है। थर्ड, अगर कोई डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो भी वह उसे फुलफिल कर सकते हैं। प्लस हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए 20 शब्द पर मिनट के हिसाब से। एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर 1/1/2024 के अनुसार 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वह ST वैसे ही मिलेगा, SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का और PWBD के लिए 10 साल का। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर फॉर्म जो है वह ऑनलाइन भरा जाएगा, जिसके लिए मैंने आपको दो पोर्टल बता दिए, एक तो SSOID का और दूसरा आपका RSM SSB का। साथ ही साथ फॉर्म जो है वह 27 जनवरी से भरने शुरू होंगे और 25 फरवरी तक भरे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका पूरा लिंक आपको मेरे Telegram ID पर मिल जाएगा, Telegram ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आने वाली और भी जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको Telegram ID पर अपडेट मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।